थिंक लाइक धोनी, धोनी की तरह सोचना। पर इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, आपने ये वीडियो स्टार्ट क्यों किया? क्यों जानना चाहते हैं आप और क्यों सीखना चाहते हैं? इसका सिंपल सा रीजन है, धोनी नाम ही पहचान है। धोनी का मतलब मिस्टर कूल, धोनी का मतलब द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया। जिस भी फ्रंट पर है ना, उसके अंदर कमाल करना। तो ये सारे काम वो करते कैसे हैं? क्या कुछ फिजिकली उनके अंदर ऐसा है? नहीं। रियलिटी में धोनी की जो सक्सेस है, उनके अंदर शक्ति है, वो सारी शक्ति, वो सारी सक्सेस, वो सारी चीजें उनकी सोच के अंदर है। बचपन में वो ऐसे नहीं थे, लेकिन वो खुद अपने इंटरव्यूज में और अपनी किताबों के अंदर लिखते हैं कि वो किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से उनकी जिंदगी बदल गई। इंट्यूशन की बात करें तो रवि शास्त्री जी कहते हैं कि धोनी बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है। काम और फियरलेस एटीट्यूड के कारण धोनी का दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और इससे वो अपना सबकॉन्शियस दिमाग बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बाकी कैप्टन से गेम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत जल्दी डिसीजन भी ले सकते हैं और इसीलिए वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो दोस्तों, धोनी का पहला प्रिंसिपल है नो नेगेटिव थॉट। जी हाँ, बुरे विचार, नेगेटिव विचार, गलत विचार अपने दिमाग के अंदर रखने ही नहीं है, पालना पोसना उनको है ही नहीं। एक्चुअली हर विचार एक बीज की तरह होता है जिसने एक पेड़ बनना है। अगर आप अपने दिमाग के अंदर ऐसे बीज रखोगे जो नेगेटिव होंगे, जो खराब होंगे, जो डर के होंगे, जो लॉस के होंगे, हार के होंगे, ये सब नेगेटिव थॉट हैं। अपने दिमाग के अंदर ऐसा कोई भी बीज ना पड़ने दें। अगर ये गलती से भी आपके दिमाग के अंदर जाएगा तो ये बड़ा होके आपको ही खराब करने वाला है। तो पहला रूल धोनी का क्या है, अपने दिमाग के अंदर किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट नहीं लाना और अगर आता है तो उसको तुरंत बाहर करना। अब आप पूछेंगे कि भाई इसका तरीका क्या है? भाई ख्याल तो, विचार तो आते ही रहते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। तो जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए दोस्तों, आपको उसको बाहर करने का एक ही तरीका है, चेंज द थॉट। जैसे ही कोई ख्याल आता है, नेगेटिव आता है और हमें पता लग जाएगा नेगेटिव है पॉजिटिव है, सीधा कुछ और सोचना स्टार्ट करें, किसी और चीज़ के बारे में बात करें। जैसे ही आप दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। जहां आप नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचते, आपने दूसरी बात करनी स्टार्ट कर दी और इस तरीके से आप अपने दिमाग के अंदर उन नेगेटिव थॉट्स से बच सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर टू, धोनी कहते हैं मैग्नीफाई द पॉजिटिव। मैग्नीफाई द पॉजिटिव का मतलब क्या है? कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, अब ये आपके हाथ में है कि आप उसमें से कितने अच्छी तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को निकाल सकते हैं और उन पॉजिटिव चीज़ों को मैग्नीफाई यानी कि उनको बड़ा देखें। कोई भी पॉजिटिव चीज़ अगर आपके सामने आती है, अच्छी चीज़ आती है, उसको बड़ा देखें। हम कई बार क्या करते हैं, हम खराब चीज़ों को तो बहुत बड़ा देखते हैं और जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको देखते हैं ठीक है हो गई ना। इससे उल्टा करें, कोई भी चीज़ अगर अच्छी आपको दिखती है, पॉजिटिव दिखती है, तो उसको बहुत बड़ा माने, अच्छा माने और तहे दिल से उसको फोकस करें। जहां पर हमने पिछले प्रिंसिपल में बात की थी कि नेगेटिव को नहीं देखना, वहीं पॉजिटिव को ढूंढना भी है और साथ में उसको बड़ा भी करना है, मैग्नीफाई भी करना है। प्रिंसिपल नंबर थ्री, धोनी कहते हैं फेक कॉन्फिडेंस से बचो। फेक कॉन्फिडेंस क्या होता है कि बस अपने आप को मानना कि भाई मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक्चुअली में आपकी आगे चलकर कमजोरी बन सकती है। तो फेक कॉन्फिडेंस से बचने का रास्ता धोनी क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि मान लीजिए अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब आप एक शॉट को 100 बार प्रैक्टिस करते हो सेम तरीके से, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, कॉन्फिडेंस लाना नहीं पड़ता। तो अगर आप अपने काम के लिए लगातार फोकस रहोगे, उसके पीछे बार 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 प्रयास करते रहोगे, पहली बार में शॉट नहीं लगेगा और आप सोचने लग जाओ कि नहीं मेरे को तो आ गया, ये फेक कॉन्फिडेंस है। लेकिन आप जब दोबारा तीसरी बार, चौथी बार लगातार उसी चीज़ को करते रहते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। धोनी खुद बताते हैं कि जब बारिश होती है मैदान में तो फुटबॉल खेलते हैं ताकि उनके पैर मजबूत हो सकें, और वो बार बार खेलते हैं। वो बैडमिंटन खेलते हैं अपने शोल्डर्स मजबूत करने के लिए। इनफैक्ट जो बताते हैं कि एक बार उनकी एड़ी में चोट लग गई थी तो वो पूरा दिन भर बैठ के डार्ट खेलते रहे। डार्ट गेम जानते हैं ना, वो पूरा दिन खेलते रहे। इससे क्या होता है, उनकी नज़र और पैनी शार्प हो जाती है
और शार्प तरीके से वो चीज़ों को देख सकते हैं, बारीक से बारीक चीज़ों को। वो कहते हैं लगातार आप अपने बॉडी पे काम करो और इन सब चीज़ों के साथ में आपका एक पूरा व्यक्तित्व बनता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि खाली फिजिकली स्ट्रांग होने से सक्सेस नहीं मिल सकती, आपको मेंटली भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। टफ सिचुएशंस के अंदर स्माइल पास करनी होगी और नेगेटिव थॉट को नहीं लाना और पॉजिटिव को एम्पलीफाई करना है। ये है थर्ड, फेक कॉन्फिडेंस से बचना। अगला पॉइंट है फियरलेसनेस। बात अप्रैल 2005 की है, धोनी का 5वां मैच था। पिछले 4 मैच में धोनी ने कुल 22 रन बनाए थे। इस बार गांगुली ने धोनी को थर्ड नंबर पर प्रमोट किया और बोला जस्ट हिट द बॉल। सौरव गांगुली कहते हैं उस समय तेंदुलकर और सहवाग की पार्टनरशिप टूटी थी, तब पाकिस्तानी बॉलर्स पूरे कॉन्फिडेंस में थे। धोनी इतने प्रेशर के बावजूद भी कंपोज रहे। उन्होंने 128 बॉलों में 128 बॉल्स में 143 रन्स बनाए। धोनी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब भी उन्हें मौका मिलता है धोनी परफॉर्म करते हैं। हर्षा भोगले कहते हैं कि धोनी बिल्कुल निडर हैं और इसलिए वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन बड़ी आसानी से झेल जाते हैं। धोनी कहते हैं कि जैसे डर एक एटीट्यूड है, वैसे ही निडरता भी एक एटीट्यूड ही है। जो फियरलेस या निडर होते हैं वो गोल देखता है और उसे हासिल करने के लिए पूरी जान लगा देता है। तो हम निडर कैसे बन सकते हैं, सवाल ये है। तो धोनी कहते हैं कि पहला कदम है कि डर को पहचानना। जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है वो है डर, कि डर केवल हमारी सोच है, डर हकीकत में नहीं होता। हम जितना डर को एंटरटेन करते हैं ना, उतना ही मुश्किल वो लाइफ में अट्रैक्ट करता है। या तो डर को जेब में रख लो या पहाड़ बनाकर उसे अपनी सक्सेस के बीच में रख दो। ये धोनी की एक आपको पर्सनल टिप बताता हूँ मैं। धोनी कहते हैं कि फिर उस डर को पहचानो और इमेजिन करो कि अच्छा डर है क्या, और उसके बाद उसको हम एक टाइट डब्बे में, एक कंटेनर में बंद कर देते हैं। जो भी आपका डर है उसको पहचानो और उसके बाद देखो कि आपने उसको एक टाइट से कंटेनर में बंद कर दिया है। ऐसा करते ही आपको हल्का और ताकतवर महसूस होगा ही होगा। अब जो भी चैलेंज है उसे सोच समझ कर निपटना है आपको, ठीक है। अगली पॉइंट बताते हैं धोनी, दूर की सोच। अगर हमारी नज़र हमेशा अपने गोल पर है तो हम चूक नहीं सकते। एक बार किसी ने धोनी से पूछा था कि आप इम्पोर्टेंट मैच के पहले रिलैक्स कैसे करते हो, तो धोनी कहते हैं कि अगर रिलैक्स नहीं करूंगा तो सोऊंगा नहीं, और मैच के लिए फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। मैं फ्रेश रहने की कीमत समझता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक परेशान नहीं रह सकता। धोनी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो इतना सुलझा हुआ नहीं था, मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन मैं जल्द ही समझ गया कि एग्रेशन से केवल समय और एनर्जी वेस्ट हो रहे हैं। इसके बाद मैंने कॉन्शियसली कामनेस प्रैक्टिस करना शुरू किया और कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद मैंने अपना एग्रेशन कंट्रोल करना सीख लिया। दोस्तों एक बार अगर रिकैप करें तो हमने 5 पॉइंट्स धोनी ने हमको बताए हैं। पहला था नो नेगेटिव थॉट, कुछ भी हो जाए नेगेटिव चीज़ों को दिमाग में रखना नहीं है। दूसरा था मैग्नीफाई द पॉजिटिव, जो भी चीज़ें पॉजिटिव आती हैं उनको मैग्नीफाई बड़ा करके देखना है। थर्ड था फेक कॉन्फिडेंस से बचो बाय कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करना है अपने गोल की तरफ ताकि हमारा कॉन्फिडेंस नेचुरली डेवलप कर जाए। फोर्थ था फियरलेसनेस, डर को पहचानो और उसको टाइट कंटेनर में बंद कर देना है। और 5वां पॉइंट था दूर की सोच, एग्रेशन से केवल एनर्जी और टाइम ही वेस्ट होता है, हमेशा दूर की सोचें और काम करें। ये 5 पॉइंट मैंने आपको भी बताए, मैं भी इनको फॉलो करूंगा अपनी लाइफ में और इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करूंगा, और आशा करता हूं कि आप भी कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको धोनी के रिलेशन में उनके इंटरव्यूज़, बुक्स और आर्टिकल से बताई। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके मुझे नीचे बताना, और इतने प्रेम से आपने मेरी सारी बात को सुना इसके लिए आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।